Yeah.
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। कौन बात कर रहा है? जिनके बच्चे बात कर रहे हैं वो बाहर जाके बैठे, सब ध्यान से मंगलाचरण करें। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं
श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासवि गौरभक्तम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवान से जुड़ने का, भगवान से मिलने का, भगवान के साथ वार्तालाप करने का, अपने जीवन के समस्त संकटों समस्त संदेहों को मिटाने का यदि कोई कोई एकमात्र साधन इस कलयुग में है ना, तो वो भगवत कथा है। केवल भगवत कथाएं के द्वारा हम भगवान से मिल सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो उपद्रव है, जो अशांति है, जो शोक है, मन में मोह है, उन सबको खत्म करने का भी एकमात्र साधन भगवत कथा है। इसलिए देखो, जब परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो और कोई साधन नहीं किया गया है ना, केवल एक ही साधन बेटू कथा सुन। मरना है 7 दिन में और आराम से बैठकर कथा सुनना है। अर्जुन के सामने इतना बड़ा युद्ध था, अपनों को मारना था, जीवन का संघर्ष था और वो कह रहे थे अपी त्रैलोक के राजस्व इत्वा किन्नो महीपते, आप इस धरती की बात करते हो, यदि इन नामों मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तो मैं नहीं होगा। और उस समय भी अर्जुन को क्या साधन दिया गया, क्या करा गया, भगवान ने कहा बेटू गीता सुन, सब खत्म हो जाएगा, सारा मोह खत्म हो जाएगा। गरुड़ जी के अंदर मोह आ गया कि मैं भगवान के बंधन खोल सकता हूँ, बोला बैठो कृष्ण बैठो कथा सुन। तो हरि बोल, आप ना घर से बच्चों को बता के आया करो कि हम कथा में चलते हैं तो उधर बात नहीं करना होती है। देखो रामानंद कितना शांति से बैठा है, उसको पता है ना कथा में बात नहीं करते, कभी भी कथा के टाइम पर बात नहीं करनी चाहिए, सही है। ये कथा एकमात्र साधन है जीवन के समस्त उलझनों को सुलझाने का। तो उसी कथा में और सबसे सुंदर मोड़ पे हम हैं जहाँ भगवान की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है। कृष्ण कौन है? कृष्ण परम पुरुष है और इनकी कथा श्रवण करने से क्या होगा? भक्ति उत्पद्यते मनसां, हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। जितना जितना सुनेंगे हमारे हृदय के अंदर सोई हुई भक्ति जो है वो प्रज्वलित होगी और उसके साथ साथ शोक मोह भया पहा, हृदय के अंदर का सारा शोक मोह और भय भी समाप्त हो जाएगा। तो आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पहले हम अब तक क्या पढ़ के आए हैं, अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा कराई तो उनको लगा, पहले तो पता नहीं चला इंद्र को, क्योंकि जब तक पूजा हो रही थी हम लोगों ने सुना तब तक सब कुछ रिलैक्स था, सारे ब्रजवासी बहुत सारा पकवान और बहुत सारी वस्तुएं लेकर आए और सब कुछ गोवर्धन जी को भेंट करा दिया, सब लोग ने आनंद से किया और उसके बाद पूजा हुई, परिक्रमा हुई, इंद्र को कुछ पता ही नहीं चला। उस टाइम पर वेट करना होता कि भाई आज तो मेरी पूजा का टाइम है तो उस टाइम पर आता ना, मैं मेरी पूजा क्यों उसकी पूजा को नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि पूजा हो रही है। लेकिन जब पूजा हो गई उसके
के बाद ये धमाका हुआ। क्या धमाका हुआ? तो ये इंद्र को बताने का काम किसने किया? किसने जाके बताया? आप किसने लगाए? तो श्रीमद् भागवतम में तो कहीं लिखा हुआ, लेकिन भागवत के अतिरिक्त भी बहुत सारे शास्त्र हैं, क्योंकि अब सुखदेव गोस्वामी के पास तो इतना समय नहीं था कि हर चीज को है ना, वो तो भगवान की जो लीला है उसको बता रहे थे, लेकिन इस लीला को वर्धित करने के लिए भी अलग अलग पार्षदों की जरूरत है। अगर इंद्र को पता नहीं चलेगा या इंद्र कोई एक्शन नहीं लेगा तो भगवान ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जब मेरे भक्तों के ऊपर संकट आता है तो मैं पर्वत भी उठा लेता हूँ ना? तो दिखाना पड़ेगा ना भगवान को, क्योंकि इसी तरह से तो ये इंफॉर्मेशन इंद्र को मिलनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले गर्ग संहिता में बताया जाता है कि ये काम किया है नारद मुनि ने। ये नारद मुनि ना भगवान की लीला के इतने सुंदर पार्ट है ना, कि जहां से लगता है कि लीला जो है ना वो स्मूथ जा रही है, तो उसमें कुछ ट्विस्ट पैदा करने के लिए अपना कोई ना कोई मैसेज अपने शब्दों के द्वारा वहां। अभी देखो उस समय भी कितना अच्छा था, कंस ने बोला वसुदेव जी को कि भाई आपके प्रथम पुत्र से तो मेरा कोई वेर नहीं है। आकाशवाणी हुई थी कि आठवां पुत्र मेरा वध करेगा, मेरी हत्या करेगा, तो आप इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, आप इसको ले जाओ। नारद मुनि सोचने लगे ये कंस जी, अगर कंस इतना अच्छा बन जाएगा और भगवान के भाइयों के ऊपर कृपा करेगा, माता और माता पिता भगवान के उनके ऊपर इतना स्नेह वर्धित करेगा, फिर तो कृष्ण इसको मारेंगे नहीं, कुछ तो करना चाहिए। लेके गया कमल का पत्थर, कौन सी पहली बताओ, ये फूल और फूल में से पहली पत्थरी कौन सी आती है? अब भूमना चलाकर उसको लेके आओ और उसी टाइम पर उसको। अभी यहाँ पर बैठेगा इंद्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी आप खुद सोचो इंद्र को क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा साम्राज्य अमरावती पूरी है और सब समय अमृत का पान कर रहे, कल्प वृक्ष है, अगर थोड़ा बहुत किसी गांव से प्रसाद नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नारद मुनि ने कहा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, हमको पड़ता है। क्या पड़ता है? हमें देखनी ना भगवान की लीला, इतनी सुंदर लीला से हम वंचित थोड़े ना रहेंगे। तू जाके बोल दे तुम्हें पता। और नारद मुनि स्वयं संहिता में बताते हैं, बोलते मैंने जाकर इंद्र को बताया और ऐसे बताया कि उसे क्रोध आ जाए, वरना अगर ऐसे सिंपल ही बताता कि मैं भोजन आज इस तरह आपके यहाँ भोजन है कि उसकी कर दी, लेकिन आपके होते हुए आप जैसे महान देवेंद्र को छोड़कर और ब्रजवासियों ने उस कृष्ण की बात मानकर एक पर्वत की पूजा कर दी, बिना इतना बड़ा अपमान। तो इंद्र को वस्तु ना मिलने के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण नहीं था, लेकिन मेरा इतना बड़ा अपमान। और अगर कोई हमें बताता है कि आपका इतना बड़ा अपमान हुआ है तो वो तो साधारण व्यक्ति भी बर्दाश्त नहीं करता, और इतने बड़े देवराज इंद्र भला उसको कैसे सहन कर देगा। तो यहाँ से ये देखना है कि इंद्र जो है उनको भड़काया गया है भगवान की सेवा से। और यहाँ पर फिर तो क्वेश्चन आएगा कि भाई माता जी इंद्र को तो पता था ना कि ये कृष्ण भगवान है, क्योंकि जब धरती माता जब भी दुखी होकर गौ का रूप धारण करके इसी सिकंद के तीसरे अध्याय में जब गई थी ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने रोती हुई गौ माता को देखा था, फिर इंद्र और सारे देवी देवताओं को लेकर गए थे भगवान के पास विष्णु जी के पास, और सबने पुरुष सूक्त स्तुति की थी और सबके समक्ष ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी सुनी थी
कि भगवान संसार में जन्म लेने वाले हैं और सारे देवी देवताओं को ये आदेश भी दिया था कि आप सब ब्रज गोकुल में जाके जन्म लो। जब इतना सब इंद्र को पता था तो फिर भगवान की पूजा अगर हुई है तो इंद्र को उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, हमको तो पता था। तो यहाँ से हमें क्या सीख लेनी है कि आपको चाहे कितना ज्ञान हो, पता होना मतलब ज्ञान होना, हमें ज्ञान होने से आपके अंदर भक्ति नहीं आ जाती। पता हो जाता है, सबको पता है, गीता में साफ साफ लिखा है कृष्ण भगवान है और बहुत सारे लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन केवल जान लेना काफी नहीं होता है। अगर जान भी लेते हैं उसके बाद भी हमारा अहंकार यदि आड़े आ जाता है तो हमको भक्त नहीं बनने देता है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। इंप्लीमेंट तभी होता है जब हमारे हृदय के अंदर विश्वास और विनम्रता होता। जब अहंकार आ जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। अहंकार का नशा इतना खतरनाक होता है कि हमारा जितना भी ज्ञान होता है ना उस अहंकार के द्वारा नष्ट हो जाता है ना। जब किसी संतान को अहंकार हो जाता है वो माता पिता के साथ कितने दुर्वचन बोलता है, क्या उसे नहीं पता ये वही माँ है जिसने 9 महीने मुझे अपने गर्भ में रखा, मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे खाना सिखाया, क्या आता था मुझे, लेकिन अपने बड़ों के साथ बड़ों का भी अपमान करते हैं, है ना, अपने टीचर्स का अपमान करते हैं। सिर्फ पता नहीं है क्या सबको कि ये कितने सम्माननीय है, लेकिन फिर भी अहंकार के कारण हमारा ज्ञान जो है वो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये अज्ञानता जो होती है ना वो इस तरह से ढक देती है मनुष्य को, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, या फिर ये जो आईना होता है वो धूल से ढका होता है, या जब बच्चा गर्भ में गर्भाशय से ढका होता है, उसी तरह से काम रूपी अज्ञानता, काम है, इच्छा होती है, उसी के कारण हमारे अंदर क्रोध आता है और क्रोध के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इच्छा थी ना, काम था ना कि मेरा पूजन होना चाहिए ना, सारा सम्मान मुझे मिलना चाहिए, तो इसके कारण ढक गया सारा ज्ञान, नष्ट हो गया। और इस तरह से फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने बताया कि इस तरह से, क्योंकि नारद मुनि ने इस तरह से बताया कि उसको क्रोध आया, और क्रोध जब इंद्र को आया और तो उसको लगा कि मेरा अधिकार छीन लिया, ये कृष्ण ने मेरा जो अधिकार था वो छीन लिया, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, छोटा सा बालक होकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर सावर तक मेघों को बुलाया और उसके बाद मेघों के आने पर या किस तरह से बात कर रहा उसी को हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से दुर्वचन कहकर वो कृष्ण को संबोधित कर रहा है और किस तरह से सरस्वती देवी सरस्वती अर्थ जो हमारे आचार्यों ने दिया है उसको हम कितने अच्छे तरीके से, हो तो वास्तव में कृष्ण की निंदा रही है ना, वो तो इंद्र तो कृष्ण की निंदा कर रहा है लेकिन आचार्य गण उसी निंदा को स्तुति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानां काननौकसा कृष्णं मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देवहेलनम। अहो श्रीमद महात्म्यम, ये कितने अहंकारी हो गए हैं, आखिर इनके पास है क्या ऐसा जिसपे वो घमंड कर रहे हैं। कोई माइक सेंड करने के लिए आ जाए प्लीज। तो वो तो ऐसा कह रहे हैं, कि बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं ये। और गोपानंद, ये गोप जो है
काननों का सांप, ये गोप जो है वो जंगल में रहते, तो क्यों उनके अंदर गर्व आया है? कृष्ण मर्त्यम उपाशंत्य, वह कृष्ण जो कि मरने वाला मतलब मनुष्य है, साधारण मनुष्य, उसकी उपासना कर रहे हैं और उसके कारण ये चक्र देव है ना, और वो हम जैसे देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं। और इसी को सारस्वत के अर्थ में आचार्य गण कह रहे हैं कि अहो श्रीमद महात्म्य, इन गोप वासियों का, गोपानां काननों कसाम, इन गोपों का जो कि व्रजवासी है, उनका श्रीमत तो देखिए, उनका ऐश्वर्य तो देखिए, वह कृष्ण, कृष्ण मध्यम उपाशित्य, जो संपूर्ण जगत के संपूर्ण जीवों के आश्रय है, उन्होंने उसका आश्रय ले लिया। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है जीव का कि इन्होंने, हालांकि ये तो वन में रहने वाली साधारण से गोप है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लिया है, कृष्ण मध्यम उपाशित्य के प्रत्येक जीव जब कृष्ण की शरण में आ जाता है, फिर उसे किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। ये चक्र देव हेलनम, फिर अगर उन्होंने मेरे जैसे छोटे से देवता का अवहेलना कर भी दिया तो क्या बात, कोई लाभ, कोई उसका हानि तो होने वाली नहीं। और इसे आगे कहते हैं, यथा दृढ़ कर्म मये कर्तुभिर्नाम नानुभिः विद्यामान् वीक्षकी हत्वा तितिर्षन्ति भवारोहणम्। यथा दृढ़ कर्म मये, कि जिस तरह से उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्म यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करना। जैसे भवसागर है, उसका पार करने के लिए क्या तरीका है, पार करने का तरीका ये है कि हम जो है वो भगवान की शरण लें, भगवान की शरण लेकर इस भाव कर्म कांड से नहीं होगा, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आत्म ज्ञान से होगा। लेकिन अगर कोई दिव्य आत्म ज्ञान को त्याग दे और केवल कर्म योग से ही इस भाव सागर को पार करने का प्रयास करे तो ये संभव नहीं है। और इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि मेरी भक्ति छोड़कर, मेरी पूजा छोड़कर कृष्ण की शरण में गए, तो इन्होंने दिव्य ज्ञान यानी मुझे छोड़कर कर्मयोग यानी कृष्ण की आराधना जो है उसको स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण जो है वो ही वास्तविक सब ज्ञानों का, जो दिव्य ज्ञान है उसका मकसद है। भगवान भी कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव यज्ञो, तो कृष्ण क्योंकि समस्त यज्ञों का, समस्त वेदों का मकसद है और जितने भी यज्ञ हैं वो कृष्ण को ही समर्पित हैं, तो ये अगर उन्होंने कर लिया, कृष्ण की भक्ति कर लिया, कृष्ण की आज्ञा का पालन कर लिया, फिर उसे मेरे यज्ञ जैसा कर्म कांड करने की क्या आवश्यकता है, फिर उनको कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आगे जो श्लोक है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, श्लोक नंबर 5 से। हरे कृष्णा वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरिप्रियं वाचालं बालिशं स्तब्धं। वाचालं, इंद्र बोल रहा है ये कृष्ण ना खाली बातूनी है, कुछ भी नहीं, खाली बस बोल रहा है, उसको खाली जैसे छोटे बच्चे ना बड़बड़ करते हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, बस बोलते रहते, ये कृष्ण क्या है, बोल रहा है बस। और बालिशम मतलब बिल्कुल छोटे अज्ञानी बालक की तरह है, स्तब्ध मतलब इसको अपने बड़ों का आदर करना नहीं,
अपने नंद बाबा और इतने बड़े बड़े गोपों को सिखा रहा है कि तुमको करना क्या है, लज्जा नहीं आती इसको? हमें बल्कि बड़ों से सीखना चाहिए, बल्कि उनको सिखाना चाहिए। स्तब्धम अज्ञम यानी उनको उसको कुछ भी पता नहीं, और पंडित मानी ना, और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मान रहा है। कृष्ण मध्यम उपाशित्य, ये कृष्ण जो कि आखिर तो उसका साधारण मनुष्य है, मरने वाला गोपों में चक्रुर प्रियम, और इसी गोपों में यानी ग्वालों में यानी मेरे विरुद्ध, सारे ग्वालों को मेरे विरुद्ध चक्रु कार्य करने के लिए उत्साया उसने, अप्रियम मेरा अप्रिय किया, तो ये बहुत ही गलत किया। इंद्र तो इसे बता रहा, लेकिन इसका सारा सत्य अर्थ निकालते हुए जो हमारे आचार्य जन कहते हैं, वाचालम बालिशम स्तब्ध, वाचालम अर्थात जितने भी संसार के शब्द हैं, जितना भी ज्ञान है, जितना भी वेद है, वो इनकी सांसों से निकला है। चारों वेद जिनकी सांसों से निकले हैं, और वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, गीता 15:15 भगवान कहते हैं सारे वेदों का मकसद केवल मुझे जानना है, तो सारे वेदों का ज्ञान जिनकी केवल सांसों से निकला है, वो जो बोल रहे हैं उनको तो बोलना ही चाहिए, वाचालम वो तो बोले, जब सांस लेने से वेद प्रकट हो रहे हैं, तो जब शब्द निकलेंगे तो वो कितने ब्रह्म स्वरूप शब्द होंगे। तो ये तो कृष्ण को तो कंटिन्यूस बोलते रहना चाहिए, और हम जैसे बड़े बड़े जो अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझते हैं, उनको बस उनकी बात सुननी चाहिए, वाचालम, बस कृष्ण को ही बोलने का अधिकार है। हम लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि शब्द तो उसके सुनने चाहिए ना जिसके अंदर ज्ञान है, तो भगवान से ज्यादा किसके अंदर ज्ञान है? भगवान को तो संपूर्ण ज्ञान है, तो भगवान के रोम रोम में ज्ञान है, तो वही बोलने के अधिकारी है। बालिशम, लेकिन इतना ज्यादा ज्ञान है, बुद्धिर बुद्धिमतास्मि, समस्त बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाले, समस्त वेदों का ज्ञान जीवन जिनके पास है, और वो भी बालिशम, फिर भी उनके अंदर एक छोटा सा बालक जैसे होता है, जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। कृष्ण देव इतना छोटा सा बालक है, और कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं करता है कि मैं भगवान हूँ, बालक की तरह कार्य करता है, छोटे छोटे बालक की तरह लीला कर रहा है, इतना महान होते हुए भी बालिशम, छोटे बालक की तरह एकदम इनोसेंट है। और स्तब्ध का मतलब है कि उसको कोई है ना, बड़ों को भी वो लेक्चर दे रहा था, कल भी दे रहा था ना नंद बाबा को, तो उसको उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्तब्ध यानी कि इतना जिसके ज्ञान अंदर ज्ञान है, जितना उसको सब वेदों का पता है, तो किसी और से ज्ञान लेने की उसको जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, तो भले वो बिल्कुल सही कर रहा है। अज्ञम अर्थात एक्सपर्ट है, और पंडित मानेनम इंद्र कह रहा था वो अपने आप को पंडित बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आचार्य गण बनाए कि जितने भी पंडित हैं वो उनका सम्मान करते हैं, वास्तव में जितने जो ज्ञानी हैं वो उस भगवान को अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं। पंडित मानेनम, अगर कोई बुद्धिमान है, कोई ज्ञानी है, वास्तव में पंडित है, वो कृष्ण की शरण में आता है। तो ऐसा कृष्ण है, कृष्ण मर्त्यम उपाशित्य, जो कि जीव को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकता है, गोपा में चक्रुर अप्रियम, ऐसे कृष्ण की आज्ञा को पालन करके अगर गोपों ने मुझे मेरी पूजा नहीं की तो बिल्कुल सही किया उन्होंने, अप्रियम वो भी मेरा प्रिय किया उन्होंने। आगे कहते हैं कृष्णेनात्मा पितात्मनाम धनुत श्रीमद्स्तम्भम् शत्रुन्नयत् संक्षव। अभी इंद्र जो है वो आदेश दे रहे हैं, किनको आदेश दे रहे हैं? मेघों को, मेघ है ना, उनको आदेश दे रहे हैं।
वगैरह ऐशा श्रिया विलपता नाम, ये ऐश्वर्य से उन्मत्त हैं सारे अपने आप। आखिर इनके पास ऐसा है क्या? मैं तो देवराज हूँ, मैं तो देवताओं का भी राजा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है, और ये जाहिल गोप ग्वाल वो अपने ऐश्वर्य से मद हो गए। क्यों? कृष्णो नात्मा पितात्मा नाम, क्योंकि वो कृष्ण की सपोर्ट के कारण ऐसा कर रहे हैं ना, इन्हें मदोन्मत बना दिया है। किसने? कृष्ण। इनका जो अकड़पन है कृष्ण द्वारा समर्थित है, इन्होंने कृष्ण ने इनको सपोर्ट किया ना, इसी के कारण वो अपने आप को बताने क्या समझ दिए और मेरी भक्ति छोड़ दिए। तो यहाँ पर आचार्य गण कह रहे हैं कि कृष्ण दो पितात्मना, यानी कि कृष्ण ने जब उनको समर्थन किया, जब कृष्ण ने कहा आपको ऐसा करना है और वो कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो इनके लिए तो ये ऐश्वर्य की बात है ही। साक्षात कृष्ण जो है उनकी अगर बात मानकर कोई कार्य कर रहा है, कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है, तो उसके अंदर एक निर्भीकता निर्भयता, जैसे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई भय ही नहीं रहता, क्योंकि एक अंदर से विश्वास होता है कि कृष्ण में अगर कृष्ण की, देखो भक्त जो होते हैं ना, आप नॉर्मली देखो कितने है ना, फिजिकली या फाइनेंशियली देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, तो उनके पास कुछ इतना बड़ा ना धर्म होता है, ना ही कोई शक्ति होती है, इतना ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि मेरे साथ कृष्ण है, और ये आत्मविश्वास जो है ना वो उनको जिता देता है। सारे लोग देखो जो शुद्ध वैष्णव भक्त होते हैं ना, उनका अगर देखा जाए तो फिजिकली भी कमजोर होते हैं, धन भी इतना नहीं होता उनके पास, भौतिक हो सकता है इतना हायर डिग्री भी नहीं हो, लेकिन सब बड़े बड़े लोग आकर उनको प्रणाम करते हैं, उनको ऐश्वर्य मान मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो कहते हैं कृष्णा ना धीमात्मा आत्मा नाम, यानी कि कृष्ण ने जब उनको सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, तो उनका तो ऐश्वर्य है ही, उनको तो ये सब बनता है। लेकिन इंद्र बोल रहा है कि इन सारे कृष्ण के द्वारा उन्मत्त जो है उनको क्या करना है, धुनोत्तर श्रीमत स्तंभ, नष्ट कर दो इनको सबको। वो उन मेघों को आर्डर देते हैं और पशुन्नायत संक्षय, और जितने भी पशु हैं उनके उनके जो घर हैं उनका सब कुछ नाश कर दो। इन्होंने कृष्ण के कहने पर मेरा जो आदर छोड़ा है, मेरी भक्ति छोड़ी है, अब देखो इनको हमें मजा चखाना है। तो सारा जो सामर्थक मेघ है उनको ये आर्डर देते हैं। अब सामर्थक मेघ जो है वो बहुत भयभीत होते हैं, क्योंकि ये टाइम अभी तक आया नहीं था। ये कौन से मेघ होते हैं जो कि प्रलय के टाइम पर वर्षा करते हैं, तो उनको अभी लग रहा था ना कि अभी तो प्रलय का टाइम नहीं आया था, क्योंकि अभी द्वापर युग चल रहा था, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, कलयुग समाप्त होगा, फिर एक छोटा प्रलय होगा, जब पूरा कल्प समाप्त होगा फिर बड़ा कल्प होगा, तो उनको लगा कि असमय में अगर हम लोग बरसेंगे फिर तो ऐसा होगा ना कि हम अगर जो ये जितने भी देवता हैं, जितने भी प्लैनेट्स में, उन सबको ऑर्डर के अनुसार चलना होता है। देखो सूर्य अपने टाइम पर निकलता है, चंद्रमा अपने टाइम पर निकलते हैं, ऋतुएं अपने टाइम पर आती है, अगर वो उस आदेश का पालन नहीं करेंगे, मनमानी करना शुरू कर देंगे, तो वो दंडित हो जाएंगे। ये भगवान की गवर्नमेंट है और सबको आदेश दिया गया है कि आपको इस समय ये कार्य करना है। जैसे चातुर्मास होता है उसमें वर्षा होती है, सर्दी, अभी देखो सर्दी का समय, तो ये एक नियमित रूप से चलता है। अभी प्रलय के जो बादल होते हैं उनको उस समय बरसना था नहीं, तो उनको लगा कि यदि हम गलत टाइम पर वर्षा करेंगे तो फिर तो हम दंडित हो जाएंगे। लेकिन फिर इंद्र ने कहा, सोचा कि नहीं नहीं तुमको चिंता करने की, तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो
तुम आगे आगे चलो, मैं हूं ना, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं भी एरावत हाथी पर बैठकर आ रहा हूँ, तो तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे आके सब कुछ संभाल लूंगा। तो कहता है नंद गोष्ठ जी कांसया अहम चैरावतम नागम, मैं भी एरावत हाथी के ऊपर बैठूंगा, आहुर्यानु व्रजे कसम, और फिर तुम लोगों के पीछे पीछे मैं भी व्रज ही आ रहा हूँ, तो तुमको किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, फेस मैं खुद ही करूंगा, और साथ में मैं किसको लेकर आ रहा हूँ, मरुदगण महावीर मरुदगणों को लेकर आ रहा हूँ। मरुदगण कौन है? ये वर्षा बरसाने वाले देव हैं, जो बहुत ही वर्षा नहीं, ये जो है ना वो हवाएं फैला, जैसे वर्षा से पहले वायु होगी ना, जब वायु तेज तेज बादलों को लगेगी, बादलों को बरसाने के लिए वायुओं की सहायता की आवश्यकता होती है, तो मैं उन सारे मरुदगणों को भी लेके आता हूँ। ये मरुदगण कौन है? 49 मरुदगण होते हैं, 49 मरुदगण होते हैं। ये दिति के पुत्र हैं। दिति जो है, अब दो बहने हैं ना, दिति और अदिति, वो दोनों किसकी पत्नियां हैं? कश्यप मुनि की। तो क्या होता था कि जो अदिति के पुत्र हैं वो सब कौन है? देवता है, और दिति के पुत्र हैं वो सब कौन है? दैत्य है। तो क्या होता था, जब युद्ध होता था तो भगवान हमेशा किसकी साइड लेंगे? देवताओं की साइड। तो दिति जो है वो कश्यप मुनि से कहती है कि हर रोज ऐसा होता है, जब भी युद्ध होता है भगवान भी देवताओं की साथ सहायता करते हैं और मेरे पुत्रों का विनाश होता है, मैं चाहती हूँ मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का नाश कर दे। कश्यप बोला देखो मेरी पत्नी मुझसे वरदान चाहती है कि मेरी दूसरी पत्नी के द्वारा जो मेरा पुत्र है उसका विनाश कर, बेचारा कितना धर्म संकट में होगा। तो अब उसने कहा कि देखो एक मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, ये व्रत है, नियम है कुछ, वो तुम अगर पालन करोगी तो उसमें अगर तुम सक्सेस हो जाओगी ना, हरे कृष्ण, अगर तुम उसमें अगर तुमने सही तरह से कर लिया, विधि सही तरह से पालन कर ली, तो फिर तुमको ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का नाश करेगा, लेकिन अगर तुमने उस विधि को अच्छे से पालन नहीं किया तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भी इंद्र का भाई बनकर देवताओं के कार्य करेगा, तो दोनों मतलब तुम्हारा तो लाभ ही होगा। तो फिर अब क्या है कि इंद्र को पता चल गया कि इसके गर्भ में अभी ऐसा बच्चा आने वाला है जो कि हो सकता है आगे जाकर मेरा वध करे, तो किसी तरह से इसका व्रत जो है वो खंडन करना पड़ेगा। तो इंद्र ही दिति के घर में एक छोटा बालक बन के आता है, उसकी बहुत सहायता करता है, और नियम क्या थे कि कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम जो है वो स्नान किए बगैर खाओगी या फिर हाथ नहीं लोगी, कुछ ऐसे नियम थे। तो इंद्र कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इसके नियम टूट जाएं और इसका जो गर्भ का संतान है वो जो है वो मेरा मेरे साथ देवता बनकर मेरी सहायता करे, ना कि मुझे मारे। तो फिर इसी तरह से करते करते एक दिन क्या हुआ, अब उसने नियम तोड़वा दिया, लेकिन अब क्योंकि समय हो गया था तो इंद्र के ख्याल में ये आया ही नहीं कि इसका नियम टूट गया है, वो ऐसे सो गए, हाथ भी नहीं धोए और मलिन अवस्था में थी, तो वो सो गए और इंद्र ने सोचा अब तो बच्चा पैदा होने वाला है, तो इंद्र उसकी कुंभ में चला गया और वहां पर जाकर अपने वज्र से उसका जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन अब क्योंकि जिसको आना होता है भगवान की कृपा थी, तो उसके साथ एक बच्चा था, 7 टुकड़े हो गए तो 7 बच्चे बन गए अलग अलग। फिर इंद्र ने देखा अरे ये तो 7 बन गए तो भी ये मरे नहीं है, फिर एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए, और इस तरह से कितने हो गए?
49 बच्चे हो गए और फिर वो खुद आपस में बोलने लगे, अरे इंद्र आप हमें क्यों मार रहे हो, आप तो आपको तो और भी है ना हमसे स्नेह करना चाहिए, हम तो अब आपके भाई बनकर आपके साथ देवताओं के कार्य में आपकी सहायता करेंगे, तो आप हमारा वध करने की चेष्टा ना कीजिए। तो इंद्र को याद आया, अरे हाँ कश्यप मुनि ने तो ये वरदान भी साथ में दिया था कि अगर इसका व्रत टूट जाएगा तो ये देवता बनकर मेरे साथ, तो फिर यही जो दिति के जो पुत्र हैं मरुदगण बने और ये वायु के देव बने। तो विभिन्न प्रकार की वायु होती है, 7 मुख्य वायु होती हैं, उनके अंडर में सबके एक एक के अंदर में 7 वायु होती है ना, तो इस तरह से 49 वायु होती है। तो यहाँ इंद्र क्या बोलते हैं, मरुदगण महावेग, मैं उन महावेगवान मरुदगणों को भी लेकर आऊंगा, क्या करने के लिए, नंद गोचरजीगान सया, नंद के साथ सारे नंद गांव के लोगों को जीगान सया, उनको नष्ट करने के लिए आ रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ आकर उन सबका नाश करने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद अब शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, अब शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र ने तो अपना आदेश दिया, फिर क्या हुआ, इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुलमासारे पीड़यामासुरोजसा, इत्थं मघवता ज्ञप्ता, इस तरह से जैसे ही इंद्र ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी थी कि तुम लोग चलो, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ रहा हूं मरुदगण को साथ में लेकर, तो फिर क्या हुआ, मेघा निर्मुक्त बंधना, जो मेघ थे कौन से सामर्थक मेघ, उनको निर्मुक्त बंधना, उनको बंधन से मुक्त कर दिया, कौन से बंधन से मुक्त कर दिया, देखो ये जो मरुदगण सामर्थक मेघ होते हैं वो कहां कब के हैं, कब उनको करना पड़ती है वर्षा, प्रलय, तो तब तक उनको बंधन में रखा होता है, क्योंकि किसी भी टाइम पर क्रोध आएगा बरसना शुरू कर देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, तो तब तक उन सबको बांध के रखना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि इंद्र जी का आदेश था तो फिर उसको निर्मुक्त, उसको मुक्त किया गया, लेकिन देखो ये आदेश इंद्र के अधिकार में था ही नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि इंद्र जो है वो तो एक मनमंत्र के लिए इंद्र बनता है ना, इंद्र सिर्फ एक मनमंत्र के लिए इंद्र बनता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनमंत्र होते हैं, 14 मनमंत्र होते हैं एक दिन में, और अभी तो द्वापर युग चल रहा था, तो द्वापर युग के समय के बाद जब ये मनमंत्र तो खत्म हो जाएगा ना, प्रलय के लिए तो जब दूसरा मनमंत्र आएगा उसके लिए तो दूसरा कोई और इंद्र होगा, दूसरे होंगे, तो अभी तो उसके आदेश का इसको अधिकार ही नहीं था, लेकिन इंद्र ने आज अपने अधिकार के का दुरुपयोग किया और उन्होंने क्या किया, मेघा निर्मुक्त बंधना, मेघों को बंधन से मुक्त किया, और नंद गोकुल मासारे, और नंद गोकुल में बहुत ही जोरदार बारिश का आदेश दिया, पीड़या मासुरो जैसा, और फिर जितने भी नंद गोकुल वासी हैं उनको पी गया, उनको कष्ट पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब क्या हुआ, अब किसी उच्छृंखल बादल को उन मेघों को आदेश मिल गया, जाओ जैसे बहुत बड़े गैंगवार उनको बोलो जाओ यहाँ पे आतंक करो जाके, तो उन्होंने कितना बुरी तरह से हाल किया होगा कि भाई इतने टाइम से हम बंधे हुए थे, अब उनको आजादी मिली है, जाकर वहां पर हमें भ्रष्टाचार फैलाना है, तो बहुत ही भयानक दृश्य जो है उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये तो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले इन मेघों के बारे में
ना तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सुना था कि ऐसा भी कोई वर्षा हो सकती है। हम तो कैसी वर्षा देखते हैं, छोटी छोटी बूंदें होती है ना, छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा होती है और हमको कितनी पसंद लगती है ना वर्षा होती है। तो सब लोग है ना अपने स्टेटस भी रखते हैं, रेनी डे, सुंदर सुंदर बारिश हो रही है, वर्षा आ रही है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये वर्षा कैसी भयंकर थी आप सोच सकते हो? ऐसा लग रहा था कि एक एक बूंद एक हाथी के जितनी थी, हाथी के जितनी। अगर किसी के ऊपर हाथी गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा, और अगर कहीं पर बूंद नहीं थी तो सीधा सीधा जल आ रहा था जिसे, तो हमको लगेगा नलके जैसा, नलके जैसा नहीं, जिस तरह से थम्बा होता है ना स्तंभ, उतना खंभे के जितनी मोटी मोटी वर्षा की लाइन आ रही होती थी। तो इतना भयंकर होता था वो दृश्य। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विद्युत माला विद्युत भी स्तनंत चमक से प्रज्वलित उठे और बादल हो रहे थे, कड़कड़ाहट के साथ बिजलियां चमक रही थी और साथ साथ में क्या हो रहे थे, ववर्षु जल शर्करा और बहुत ओले बरस रहे थे, मोटे मोटे बर्फ की गोले भी गिर रहे थे साथ में। और साथ में स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत्स्व विश्वभीक्षण जलोक है प्लाव्यमाना भूर्ना भू ना दृश्यत न तो न था। कि इतना इतना खतरनाक थी कि स्थूणा स्थूला, यानी कि स्थूणा, एक तो बादल ऐसे बरस रहे थे या फिर बादल की बड़ी बड़ी बूंदे निकल रही थी, वर्षधारा और बारिश जब आ रही थी तो मुंचत स्व देश भीक्षण, ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूस था, बिल्कुल कहीं से भी समय आप सोच सकते हो कंटिन्यूस बारिश आ रही आ रही, एक सेकंड भी कहीं पर भी जगह नहीं थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था। जलोमय प्लव्यमाना, सारी जगहों पर केवल जल ही जल हो गया, इतनी तेज मूसलाधार बारिशें हो रही थी, कहीं से बिजली चमक रही थी, कहीं से ऐसा लग रहा था जोर जोर से आवाजें आ रही है कड़कड़ाहट की, और साथ में अदृश्य नेत्र नो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तेज तेज बारिश होती तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो लेकिन वो कितनी तेज बारिश थी, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से ब्रजवासी सब चिंतित हो गए, और ब्रजवासी चिंतित हो गए तो यहाँ पर इतना ही सुनना काफी है कि वो चिंतित कैसे हो सकते हैं, जो भगवान की शरण में है उनको चिंता कैसी, ऐसे बोलते ना चिंतन से चिंता मन मिटे, जब वो तो कंटिन्यूस भगवान की ही चिंतन में होते थे, भगवान की याद में होते थे, कृष्ण के साथ में होते थे, उनको चिंता कैसी है। यहाँ पर सारे ब्रजवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, अत्यासाराति वातीना पशवो जातवी पना गोपा गोप्यस्त शीतार्ता गोविंद शरणम ययो अत्यासाराति वातीना। यानी कि जितनी तेज तेज वर्षा में अति वातीना, बहुत अत्यधिक हवा भी थी वर्षा भी थी, और पशवो जातवे पना, सब जितने भी पशु थे और ब्रजवासी थे वो सब कांप रहे थे, कांप कांप के गोपा गोपियों से शीतलता, इतनी तेज तेज हवाएं लग रही थी, इतना तेज तेज बारिश आ रही थी कि जितने गोप हैं ग्वाले हैं वो सब गोविंद शरणम ययो कहां चले गए, कृष्ण की शरण में चले गए। तो ये डर के मारे आए हैं किसके पास, कृष्ण के। कितनी उम्र के हैं, 7 साल के, छोटा सा बच्चा है, इतनी तेज वर्षा हो रही है, इतनी तेज आंधी है, खड़खड़ाहट है, बिजलियां चमक रही हैं, ओले बरस रहे हैं,
और ये कहाँ आ रहे हैं? सब भागते भागते कांपते कांपते अपने पशुओं को लेकर कहाँ पर आ रहे हैं? कृष्ण। तो इनको चिंता अपनी नहीं है। अगर अपनी चिंता होती तो खुद को संभालते, खुद को किसी तरह से प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे, लेकिन इनको चिंता किस बात की है? कृष्ण की चिंता है, मृत्यु की चिंता नहीं है इनको। इनको अब तो ये भय लग रहा है कि यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही मजे की बात हमें समझनी है कि इनको मरने से डर नहीं लगता, बल्कि इनको तो कृष्ण से दूर होने का डर है ना। मरने का डर नहीं, अब कृष्ण से दूर है, मर भी जाएंगे तो भी कृष्ण के साथ मरना है, कृष्ण के पास मरना है, उसको देखते देखते। लेकिन अगर मर गए और कहीं और जन्म हो गया तो कृष्ण से वियोग हो गया तो डर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि गोविंद हम आपके पास आए हैं, सिर्फ आपसे दूर होने का डर है, इस डर को खत्म करो, अपने निकट बिठा दो बस। तो भक्त जो है उसको जीने को मिलता है या मरने को मिलता है, खाने को मिलता है या भूखे रहने को मिलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ एक चीज से, अब एक भक्त होता है ना, भगवान के सामने जाकर क्या प्रार्थना करता है जानते हो? वो बोला जहां भी रखना, जहां भी रखना ना, बस अपनी भक्ति से जोड़े रखना, अपने नाम से जोड़े रखना, अपने संग से दूर मत करना, अपनी भक्ति से दूर मत करना, अपने नाम से दूर मत करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी जीवन में जो अब जाहिर सी बात है कष्ट होंगे, दुख होंगे, मेरे कर्मों के, वो सब मैं सहन कर लूंगा। वो सब सहन करने के लिए मुझे आप बस खाली आप मेरे साथ रहो। आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे किसी और संकट की कोई परवाह नहीं। इतना बड़ा भयंकर सीन है वहां पर, इतनी वर्षा हो रही है, उन सबको पता है कि इंद्र क्रोधित हो गया, सब लोग कांपते कांपते भीगते भीगते हवाएं उनको ऐसे उड़ा रही हैं, उनको पता भी नहीं है बारिश का पानी इतना ज्यादा जमा हो गया है कि कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर कुआं है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वो भागते भागते कहाँ गए हैं? गोविंद शरणम ययु, गोविंद की शरण में जाते हैं। और साथ में आगे कहते हैं कि जो गैया है ना, वो गैया भी और कहीं जा रही है, वो सब अपने बछड़ों को कैसे भी छुपा रही है, छोटे छोटे बछड़े हैं, उनको खुद से अपने आंचल से किसी भी करके उनको छुपा रही है, बछड़े सुरक्षित, बस हम कृष्ण तक ले जाएं बस उनको। गैया भी क्या करती हैं? शिर सुताई प्रच्छाद्या सार पीड़िता वीपमाना भगवत पाद मूलम पायलो। सारी भीषण वर्षा से उत्पीड़ित और पीड़ा से कांपती हुई तथा अपने सिरों और अपने बच्चों को अपने शरीरों से ढक कर प्यास करती हुई गैया भी भगवान के चरण कमल में आके पहुंची। पाद मूलम पाद, अब उनको लगा बस अब हम सुरक्षित हैं। ये है ब्रजवासी कि उनको सुरक्षा का मतलब खाली इतना लगता है कि कृष्ण के निकट आ गया है, कृष्ण के निकट है तो सुरक्षित है, फिर चाहे इंद्र आ जाए चाहे यमन राज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण हमारे निकट हो। और फिर आके क्या कहती हैं? वे कृष्ण से कहती हैं आके, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभु तातुर्महर्षि देवान्न कपिता कुपिता भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हम आपकी शरण में आए हैं। तो कृष्ण बोलेंगे मैं तो कितना छोटा हूँ, मैं कैसे रक्षा करूंगा आपकी इतने बड़े बड़े वर्षा से, या इतना बड़ा शत्रु है इंद्र, मैं कैसे रक्षा करूंगा? तो ये कहते महाभाग, आप बहुत भाग्यशाली है ना, और आप भाग्यशाली हैं
तो आपके पास जितने भी आज तक संकट आए हैं, कभी भूतनाय, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावरण, कितने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन आपको किसी ने छुआ तक नहीं है। तो हमको भी पता है कि आपके भाग्य से आप बचोगे और आपके निकट रहने से हम बच जाएंगे, कि आपके साथ जो होगा वो हमेशा सुरक्षित होगा। कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे, लेकिन उनको याद है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बहुत ही सुंदर है, कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? श्रीमद् भागवतम 10.8.16 में, इसके कारण जब जब गोकुल पर कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, कोई कष्ट आएगा, तो सब वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास हो गया था इस बात पे। क्या था? उन्होंने कहा था, इसकी कृपा से आसानी से सारे संकट जो हैं वो पार हो जाएंगे। ये कृष्ण, उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति है, वो इतना सौ, अभी गर्ग मुनि ने बताया नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन कहा था कि इसके कारण जो भी संकट है वो खत्म हो जाएंगे। तो इन सारे ब्रजवासियों को ये पता था कि कृष्ण जो है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभु, कि ये पूरा गोकुल जो है वो आपकी शरण में है और सबके नाथ एक अकेले आप हो, हम सब आपकी शरण में है। तातुर्महर्षि देवाना, हमारी रक्षा कीजिए। ये देवताओं का राजा इंद्र जो है कुपिता भक्त वत्सला, हम सब पर कुपित हो गया है, हम तो आपके आपके वत्सल है, हम तो आपके वत्सल है, आप तो भगवान हो। जिस तरह से गैया अपने वत्स की रक्षा करती है, गैया जो है अपने वत्स की, छोटा बच्चा पैदा होता है उसको किस तरह से संभालती है, किस तरह से सुरक्षित करती है, उसी तरह से आप भी अपने भक्तों के वत्सल हो और हम आप सबके शरण में हैं। गोकुल में और तो कोई नहीं है, सबके नाथ तो आप ही हैं। त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु, आप ही तो सबके नाथ हैं, तो आप हमारी इंद्र से रक्षा कीजिए, क्योंकि हमें पता है, गर्ग मुनि भी बोल के गए हैं कि आप सारे संकटों को खत्म करने में सामर्थ्य रखते हैं। तो भगवान जो है वो तो सब कुछ जानते हैं, भगवान को तो सब कुछ पता है, और वो जानते थे ये तो होना ही था कि भाई अब तो इंद्र को तो ऐसा करना ही है। वो जानते थे कि इंद्र जो है वो इस बात को सहन नहीं कर सकेगा कि उसकी जगह पर्वत की पूजा की गई है। तो भगवान जो है उन्होंने कहा कि अब वो मुझे इंद्र का मान भंग करना पड़ेगा। तो सारे गोकुलवासी भगवान की शरण में आए हैं और भगवान अब किस तरह से उनकी रक्षा करते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अच्छे से हरिनाम का जप कर सकूं, गुरु और गोविंद को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे निधाई, गौर प्रेमानंदे निधाई, ताई ताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर प्रश्न करेंगे।